के बारे में कितने एक्साइटेड हैं आप? मैं सब दर्शकों को, आप सबके, जो भी आप लोगों का पोर्टल और न्यूज़ चैनल और ये देख रहे हैं ये सेगमेंट, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आप सभी को आकांक्षा और मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूँ कि आपका आने वाला वक्त, आने वाले साल बहुत ही मंगलमय हो। Mami,
नहीं, बहुत खुशी का माहौल है। आई थिंक डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन, शाही प्रोडक्शंस और आय शाही प्रोडक्शंस, हमारी एक परंपरा रही है कि हर साल गणपति जी को हम वेलकम करते हैं अपने सेट पे। तो आज सुबेरे से आय कुटे के सेट पे थे, पहली स्थापना, फिर हमारे ये रिश्ता का कहलाता है कि सेट पे स्थापना थी, उसके बाद अलबेला पे, और अब लास्ट में भी अनुपमा के सेट पे स्थापना हुई। तो अच्छा लगता है कि हर साल सारे यूनिट के लोग, यू नो, सारे हमारी टीम मेंबर्स ही बैठ के हर पंडाल को सजाती है। सारी यूनिट में हर इंसान वेट करता है, और जो एक जैसे हमारा सबका एक कॉमन मानना है कि मेहनत सब करते हैं, बट जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद ना हो और माँ बाप का आशीर्वाद नहीं हो तो कुछ सफल नहीं होता लाइफ में। तो ये हम पापा को हमेशा थैंक यू बोलते हैं कि बस हमें हम और कर्म करें, सबको खुश रखे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और सद्बुद्धि दे सबको, और हम ऐसी मेहनत करें। एंड वी वेलकम पप्पा एवरी, आई थिंक ये तीसरी साल है। सो बहुत खुशी है, खुशी का माहौल आ जाता है सेट में, फेस्टिविटी आ जाती है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आप कहना चाहोगे आज सेट पे गणपति बापा आए हैं, एज वेल एज बापा को बोलते भी सभी विघ्न वो दूर करते हैं। हमारे सेट पे एक अनुपमा में ये खासियत रही है कि जिस दिन जो त्यौहार होता है उस दिन वो त्यौहार मनाया जाता है। तो जैसे जन्माष्टमी के दिन हमने एक्चुअली जन्माष्टमी कान्हा जी का अभिषेक किया, फिर रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन होती है हर साल, ऐसे ही सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। बस गणपति बप्पा के दिन बड़ा पंडाल लगता है यहाँ पर, और सारे आते हैं बिना शूटिंग के और यहाँ पर पूजा करते हैं। सो एवरी फेस्टिवल ये है जो हर फेस्टिवल हर सेट पर सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो 75th इंडिपेंडेंस डे क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि DKP में शाही प्रोडक्शंस में सबसे अच्छा उसका, यू नो, हर सेट पे देयर वाज अ कट आउट एंड एवरीथिंग, सो इट इज़ कमेंडेबल जब एक प्रोडक्शन हाउस आपको इतना सपोर्ट करता है और पूरी यूनिट में एक यू नो ऑस्पिशियस, एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल छाया रहता है, क्योंकि सुबह शाम आरती होती है, सब आरती करते हैं घर से, कोई ना कोई अपने घर से नैवेद्य वो प्रसाद सब लेकर आता है, कुछ लेकर आते हैं रोज़। और ये 10 दिन हमारे सेट पे फेस्टिवल होता है, शूटिंग तो होती है लेकिन ऐसा लगता है हम पंडाल में शूटिंग कर रहे हैं। ये एंड इट फील स्पेशल बिकॉज ये पहला प्रोडक्शन है, और जो हमारे शो के मतलब मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, दैट्स माई मदर दीपा शाही, सो शी सेंड ऑल हर ब्लेसिंग्स टू एवरीबडी एंड थैंक्स टू हर ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग दैट अनुपमा हर फर्स्ट प्रोडक्शन हैज पापा हैज ब्लेस्ड अस। सो ये एक्चुअली माँ का शो, माँ का ही शो। रूपाली जी, साथ में ये भी जानना चाहेंगे घर पे भी आप गणपति किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है, एज वेल एज नैवेद्य में तो हर बार हम अलग अलग नैवेद्य चढ़ाते हैं, किस तरीके का नैवेद्य आप पसंद करती है और पापा को भी चढ़ाती है? ऑफकोर्स उकड़ीचे मोदक, वो बिकॉज मम्मी महाराष्ट्रन है तो दैट्स महाराष्ट्रन ट्रेडिशन, और इट्स मेरे घर में इट्स आर 33rd ईयर गणपति, तो इट्स अ वेरी स्मॉल गणपति, वही जो पहले दिन से हम लोग की कुछ 20-25 साल से जो डेकोरेशन थी, डेकोरेशन होती है फूल की, फिर धोके रख देते हैं हर साल, उसी को यूज़ किया जाता है, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, कोई कुछ ऐसे वेस्टेज, कोई ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ होती जो यू नो एनवायरनमेंट के लिए ख़राब हो। तो शाडू माती के गणपति आते हैं और हर साल वही होता है, सिंपल सूट पूजा होती है, और फिर अब यहाँ पर इस घर में, क्योंकि मैं अपने घर से ज़्यादा इस घर में रहती हूँ, तो यहाँ पर इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है तो दिल खोल के एकदम खुशी होती है। गौरव सर, यू ऑल्सो सेलिब्रेट, आप आज आए, मैम आए, तो कैसा रहा, मैम को कैसा लगा आज इस तरह का एनवायरनमेंट, कुछ कहना चाहिए? मैंने पहले भी बोला है कि मुझे जहाँ पे भी भगवान का बुलावा आता है मैं पहुँच जाती हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया आरती में, और बहुत अच्छे से हुआ भी, जिस तरह से सब गा रहे थे, सब इन्वॉल्व थे, सब मज़े, मतलब एकदम जैसे आप बोल रहे एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड था,
तो इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट फील, तो बहुत अच्छा लगा. और आज इतने शुभ दिन पे यहाँ आना, मतलब कहीं ना कहीं इट्स अ डिवाइन कॉलिंग फॉर मी. लास्ट टाइम जब मेरा अनुज का किरदार बस शो में आया ही था, 2-3 दिन हुए थे, तो मुझे अभी भी याद है सर से मुलाकात हुई थी यहाँ पे, और वो मेरा पहला गणपति था अनुपमा के सेट पे और DKP प्रोडक्शंस में. और मैं सर को बोला था, ऐसे पता ही नहीं चला कि वक्त इतनी जल्दी निकल गया और आप लोगों ने इतना प्यार दिया. तो इसलिए जब मेरे को पता चला कि अभी हम लोग फिर से ये स्थापना होने वाली है, तो मैं शूट करा था, मैंने आकांक्षा को बोल दिया था, तो आकांक्षा ने बड़े प्यार से बेचारी ने सब तैयारी वारी करी. और हमने ये सोचा था कि हमारे घर पे हम गणपति नहीं रख रहे, लेकिन ये भी घर ही है, कर्मभूमि है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरे हम जितना, क्योंकि मैं और आकांक्षा अकेले रहते हैं, हमारे पेरेंट्स मेरे अलग शहर में रहते हैं, आकांक्षा के पेरेंट्स अलग जगह रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ आके इस परिवार के साथ एक पूरी तरीके से गणपति की पूजा की जाए. एंड बहुत ही अच्छा लगा. एंड थैंक यू सर, थैंक यू राजन सर टू गिविंग मी एंड माय वाइफ दिस अपॉर्चुनिटी, एंड ऑल द लवली कास्ट एंड क्रू मेंबर्स जिनके साथ मुझे खड़े होने का मौका मिला और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, वो सब इन लोगों की वजह से है. मैं तो वही हूँ जो पहले से था. सो आई थिंक दीज गाइज आर द रियल हीरोज. एंड हमारे सीरीज डायरेक्टर हर्ष ओके, रमेश जी, हमारी क्रिएटिव केतकी जी एंड एंटायर टीम एंड कास्ट हियर, सो थैंक यू सो मच ऑन देयर बिहाफ. सो आई विल टेक एंड देन यू गाइज कैन कंटिन्यू. थैंक यू, थैंक यू, बाय सर, बाय. सो नाइस, थैंक यू, थैंक यू. बहुत अच्छा, लाइक बहुत प्यार मिल रहा है, टॉप 5 में भी चल रहा है, आप लगातार टॉप 5 में चल रहा है. सो क्या कुछ आपने विश मांगा है पापा से? पापा से जो विश मांगे बताते थोड़ी है. और पापा बिना मांगे इतना कुछ दे देते हैं, तो फिर क्या और क्या मांगे, बस ये कि हाथ पैर चलते रहें और हेल्दी रहकर काम करते रहें और सबको एंटरटेन करते रहें और फैमिली हमारी खुश रहें, हेल्दी रहें बस. और वो भी तो अनुज कपाड़िया को और प्यार मिले. अनुज कपाड़िया की रियल लाइफ बीवी और रियल लाइफ बीवी, उन दोनों को ज़्यादा प्यार मिले, लक्ष्मी मिले, हम ज्यादा खूबसूरत हो, शॉपिंग करें, ये मांगा है बाबा. कमाल है, कमाल है. मैं बस ये कहूंगा कि भगवान अपना ऐसी आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि रियल और रील दोनों डिपार्टमेंट को मैं खुश रख पाऊं और आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊं. सो थैंक यू सो मच. मुझे गौरव ने एक चीज बताया था परसों, ही वाज सेइंग दैट शी इज लुकिंग लाइक मी. डू यू लुक लाइक मी? डिंपल बताओ सबको, डिंपल बताओ. ये भी बहुत प्यारा एडिशन है हमारे कास्ट में, बहुत ही क्यूट है. शी इज द क्यूटेस्ट क्यूटेस्ट इन द शो राइट नाउ. लास्ट ईयर मुझे याद है रूपाली जी के साथ मेरा काइंड ऑफ फर्स्ट या सेकंड इंटरव्यू था इस शो में, और यहीं पे था, इसी जगह पे था, रिमेंबर, जब हम लोग गणपति के लिए, और उस दिन शायद इनका शूट नहीं था, ये घर से आई थी. मैं गणपति तो मुझे अभी भी याद है, टाइम हैज़ जस्ट एंड पता ही नहीं चला कि वक्त आ गया. एंड मैं बस थैंक यू कहना चाहता हूँ आप सभी को, जो लोग भी इस शो को इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे किरदार को इतना प्यार दे रहे हैं, कि आई एम जस्ट हम्बल्ड बाय द होल लव एंड अफेक्शन. जिस तरीके से आप लोग, जिस शिद्दत से आप अनुपमा और अनुज की कहानी को इतना प्यार दे रहे हैं, उसे यू नो आप लोग वेट करते हैं कि आगे क्या होगा. अभी भी जब ये इंटरव्यू नहीं चल रहा था तो आप में से भी काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये प्रोमो बड़ा अच्छा है, अब क्या होने वाला है. सो ये सब इन्हीं का आशीर्वाद है, और आई एम वेरी थैंकफुल कि घर पे ऐसी सपोर्टिव वाइफ है और ऑन स्क्रीन ऐसी यू नो उम्दा कलाकार जो मेरे वाइफ का किरदार प्ले कर रही हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. थैंक यू. ओके रूपाली मैम, लास्ट क्वेश्चन. रूपाली मैम, लास्ट क्वेश्चन, एनी मेमोरी आपकी है गणपति से जुड़ी हुई जो आप शेयर करना चाहोगे? बहुत सारी, बहुत सारी. मतलब मैंने कहा ना, इट्स आ 33rd ईयर गांगुली फैमिली का, 33rd ईयर गणपति का. और कल मेरे भाई ने फिल्म फेयर जीता है. कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस. सेकंड ना या सो हमारे लिए ये गणपति बहुत स्पेशल है, वो गए वो शूट करने बड़े अंदर. बहुत सारी मेमोरीज है. शुरू किया था जब गणपति, तब मैं और मेरा भाई छोटे छोटे थे, पापा गणपति की मूर्ति उठा के लाते थे, बिकॉज शाडो माती की मूर्ति थोड़ी भारी होती है, इट्स नॉट हल्का लाइक योगी, सो वो भारी होती है, और उसको उठा के पापा लेके आते थे, हम पीछे पीछे घंटे बजा के चलते चलते आते थे, धीरे 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 फिर मैं मूर्ति उठा कर लेकर, फिर भाई और मैं, और ऐसे करते करते देन पापा देन स्टार्टेड सिटिंग बिहाइंड एंड माय ब्रदर स्टार्टेड डूइंग द पूजा. एंड अब जब पापा नहीं है तो अब ऑफकोर्स मेरा भाई इज द मेन पर्सन इन द हाउस. आज मेरे बेटे ने पूजा की है. सो या इट इज़ वेरी स्पेशल. गणपति से बहुत सारी, जैसे ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ टाइम काफ़ी सारी मेमोरीज गणपति के साथ जुड़ी हुई है.
मेरी मम्मी महाराष्ट्रन है तो हम लोग पूरा मराठी ट्रेडिशन से गणपति करते हैं। ओके, अपने फैंस एंड व्यूअर्स को मैसेज क्या देना चाहोगे जाते जाते? थैंक यू सो मच, मतलब जितना मैं उनका थैंक यू करूँ वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने अनुपमा को इतना प्यार दिया है, इस शो को, इसके हर एक कैरेक्टर को आपने इतनी रिकग्निशन दी है। सारे टीम के एफर्ट्स जो एक कैरेक्टर को खड़ा करने में जाते हैं, जो एक शो बनाने में जाते हैं, उसको आप लोगों ने इतना रिस्पेक्ट दिया है, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। कल मैं सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ थी और वहाँ भी पीपल वाले अनुपमा अच्छा लगता है कि टीवी एक ऐसा माध्यम है जो हमें हर घर का हिस्सा, यू नो, जैसे आप स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, लेकिन हम हर घर का हिस्सा बन चुके हैं। आई थिंक टीवी एक्टर्स फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं रादर देन, हम फैमिली मेंबर्स बन चुके हैं, हम आपके परिवार का हिस्सा, हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। एंड कोशिश यही रहेगी कि आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं उसके काबिल बने रहें। काफ़ी समय से, लाइक लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं माहौल बहुत ही एकदम शांत था, लेकिन ये सब हम देख रहे हैं कि बाकी सभी जितने भी लोग गणपति ला रहे हैं धूम धड़ाके से, और आप सेट के भी गणपति बापा आए हैं, सभी लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहूँगा? एक्चुअली लॉकडाउन था, लोग गणपति ला नहीं सकते थे उस तरीके से, उस माहौल के साथ, उस एनर्जी के साथ। तो अब जब दो साल की एनर्जी एकजुट होगी और गणपति को लाया जाएगा मुंबई जैसी महानगरी में, तो शोर मचेगा, दैट्स वेरी श्योर। एंड इस बार सब लोग गणपति ला रहे हैं और ज़ोरों शोरों से ला रहे हैं, बिकॉज दे ऑल वॉन्ट डबल ब्लेसिंग्स सबके, कि जो हमें लास्ट ईयर नहीं मिला वो और मिले, और सब लोग खुश रहने चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ अ टाइम वैन everybody is seeking that happiness, वो खुशी जो बहुत टाइम से मिसिंग थी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड कोविड सिचुएशन। या साथ ही हमने देखा कि सभी सेट पे अलग अलग थीम रखा गया है, सो आपके सेट पे किस तरीके का थीम है और क्या कुछ नया इनोवेटिव किया? सी, इट इज ऑर्गेनिक गणपति, दैट्स फॉर श्योर। थीम के बारे में मेरी इतनी समझ नहीं है, बट जितना मैं देख सकता हूँ यहाँ से, बहुत ही प्यारे येलो फूल लगाए हुए हैं और उसके पीछे बांस की डंडियों से एक ऑर्गेनिक फील के लिए गणपति बना रखे हैं। इसके अलावा जिन्होंने ये सेटिंग करी उनका नंबर मैं आपको दे दूँगा। आशीष, आप आपकी घर में गणपति बैठी है या नहीं बैठी है और किस तरह का सेलिब्रेशन? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं गणपति बहुत टाइम से बिठाना चाहता हूँ अपने पास, बट मैं गणपति खुद बना के रखना चाहता हूँ अपने पास। लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई डैड, तो उस समय आई एक्चुअली थॉट ऑफ कीपिंग उससे पहले, बट आई कुडंट, सो अभी आई कांट, मगर फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आई विल बी। या ओके, शो की अगर हम बात करें, शो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहा है और टॉप 5 में बैक टू बैक आ रहा है, क्या कहना चाहोगे? थू 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 थू, आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं और थोड़ा बहुत हमारा हार्डवर्क है, आप लोग ऐसे हमें प्यार देते रहिए। अगर कोई किरदार पसंद नहीं आता रहे, अगर आपको कोई भी किरदार पसंद नहीं आ रहा है, तो उससे नफरत करने के लिए उसको देखते रहिए, और क्योंकि अगर आप किसी किरदार से हर समय प्यार करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना शो में, बार बार रोज़ थोड़ी लड़ाई भी होनी चाहिए, थोड़ा मसाला भी होना चाहिए, थोड़ी अदरक होनी चाहिए, तो यू विल हैव दैट फन। अनुपमा इज़ ऑल अबाउट दैट, और छोटे छोटे मैसेजेस जो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, हमारे राइटर्स पूरी कोशिश करते हैं कि जो करंट सिनेरियोज हैं उस पर हम लोग आपको इन्फॉर्म कर सकें, आपसे बात कर सकें, जो आप लोग खुद घर पे नहीं करते। तो आई थिंक वो एक की पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग जहाँ पर हैं आपके प्यार की वजह से हैं, और उस पॉइंट की वजह से। साथ ही हम देख रहे हैं कि जन्माष्टमी वाला जो एपिसोड अभी चल रहा है, साथ ही साथ गणपति भी आने वाला है, क्या कुछ नया अट्रैक्टिव आने वाला है जिसका ऑडियंस काफ़ी? बहुत शोर शराबा होने वाला है, बहुत मस्ती होने वाली है। वैसे हम लोग 3-4 एपिसोड के बाद नाचने गाने तो लगते ही हैं, अब इसके बाद फिर हम नाचने गाने लगेंगे, तो हमें बहुत मज़े आते हैं नाचने और गाने में और आप लोगों को एंटरटेन करने में, तो ये सब तो होने ही वाला है और ये होता रहेगा। वो मेरा और पापा का सीक्रेट है कि मैंने उनसे क्या मांगा है, मगर मैंने एक जो चीज़ दिल से मांगी है उनसे, वो ये मांगी है कि खुश रखिए, मेरे परिवार को खुश रखिए, मेरे आसपास लोगों को खुश रखिए, मुझे खुश रखिए, और उस खुशी को पाने के लिए जितनी चीज़ें आसपास मॉनेटरी हों या
किसी इंसान से रिलेटेड हूँ, उसमें जितनी कम डिफ़िकल्टी मुझे आ सके वो। मैंने कभी भी अपने फैंस को फैंस नहीं माना है, मैंने उनको हमेशा फैमिली माना है, क्योंकि तभी उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है, मेरे अंडर परफॉर्मेंस को, मेरी ओवर परफॉर्मेंस को, मेरी गंदी एक्टिंग को, मेरी अच्छी एक्टिंग को हमेशा सराहा है, हमेशा मुझे प्यार दिया है। उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। मैं कितनी बार भी आपको थैंक यू बोलूँगा वो कम ही होगा। मैं बस आपसे यही मांगता हूँ कि आप ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरी तरफ बनाए रखें, इस शो की तरफ बनाए रखें और अपना प्यार देते रहिए। ऑल द बेस्ट, एंजॉय दिस गणपति, हैव फन। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरिया। थैंक यू, थैंक यू।